दंडभी पुरस्कार। सम्राट कृष्णदेव राय से प्रजा का दुख नहीं देखा जाता था, वे सही अर्थों में प्रजापालक थे। एक बार वे कड़कती ठंड में अपने दरबारियों के साथ कहीं जा रहे थे। हर दरबारी राजा सहित ऊनी वस्त्रों से लदा था, फिर भी कांप रहा था। अचानक राजा कृष्णदेव राय की रास्ते में दृष्टि एक अधनंगे भिखारी पर पड़ी। राजपथ के एक ओर वो हाथ में भीख का कटोरा लिया ठंड से कांप रहा था। सम्राट ने रथ रुकवाकर अपना कीमती शॉल उतारकर स्वयं उतरकर भिखारी के शरीर पर डाल दिया। सम्राट की इस उदारता को देखकर वहां एकत्र भीड़ राजा की जय जयकार करने लगी। भीड़ के साथ साथ दरबारी भी जय जयकार करने लगे, परंतु तेनालीराम चुपचाप खड़ा रहा। सेनापति तो हमेशा ऐसे मौकों की ताक में रहा करता था। वो सम्राट के सामने तेनालीराम से बोला, क्यों तेनालीराम, तुम जय जयकार नहीं कर रहे? क्या तुम अन्नदाता की उदारता से प्रसन्न नहीं हो? सेनापति की बात सुनकर राजा ने भी तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम की चुप्पी राजा को खली, किंतु उस समय वो कुछ न बोले। वहां से वापस लौटते समय राजधानी तक सेनापति तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरता रहा। अगले दिन दरबार में राजा तेनालीराम को उसकी चुप्पी पर फटकारते हुए बोले, तुम जरूरत से ज्यादा घमंडी होते जा रहे हो, राजधर्म की भी अवहेलना करने लगे हो, बोलो कल चुप क्यों थे? तेनालीराम कुछ नहीं बोला तो सम्राट और क्रोधित हो गए। आदेश दिया, तेनालीराम मैं तुम्हें तुम्हारे इस अपराध पर एक वर्ष के लिए विजयनगर साम्राज्य छोड़ने का दंड देता हूं। तुम यहां से जाते समय केवल एक वस्तु साथ लेकर जा सकते हो, बोलो क्या लेकर जाना चाहते हो? सम्राट का यह आदेश सुनकर सेनापति पुरोहित और मंत्री सहित सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे। तेनालीराम तब भी चुप रहा तो राजा दोबारा बोले, बोलो तुम अपने साथ क्या ले जाना चाहते हो? अभी समय है, जल्द बता दो। इस पर तेनालीराम ने इधर उधर देखा और हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता आपका दिया हुआ दंड भी मेरे लिए पुरस्कार है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वो शॉल दो जो कल आपने भिखारी को दी थी। सम्राट तेनालीराम की मांग सुनकर असमंजस में पड़ गए। प्रश्न ये था कि भिखारी से शॉल कैसे मंगा जाए, क्योंकि वो शॉल तेनालीराम के दंड से जुड़ा था। इसलिए उन्होंने भिखारी को शॉल सहित दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। राजा का आदेश सुनकर राज्य के सैनिक भिखारी की तलाश में जुट गए। कुछ ही देर बाद वे उस भिखारी को पकड़ लाए। सम्राट ने उससे कहा, हमने जो शॉल तुम्हें कल दिया था वो हमें वापस कर दो, बदले में हमसे उससे भी बढ़िया शॉल ले लो। राजा का आदेश सुन भिखारी बगले झांकने लगा, फिर डरता कांपता हाथ जोड़कर बोला, हुजूर उसे बेचकर तो मैंने रोटी खा ली। सम्राट तिलमिला उठे, किंतु अब भिखारी को क्या कह सकते थे, उस पर गुस्सा कैसे उतारते? उसे जाने को कह वो तेनालीराम से बोले, अब भी बता दो तुम्हें कल हमारा कार्य क्यों पसंद नहीं आया था। वरना तेनालीराम बीच में ही हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता मेरी चुप्पी का उत्तर तो आपको मिल ही चुका है, भिखारी को शॉल की नहीं रोटी की आवश्यकता थी, आपका वो कीमती शॉल उसके लिए रोटी से बढ़कर नहीं था। शॉल देते समय आपको टोकना उचित न था, इसलिए मैं चुप रहा। तेनालीराम की बात सुनकर सम्राट चुप रह गए। वो जान गए कि वास्तव में उस समय भिखारी को शॉल से ज्यादा रोटी की जरूरत थी। फिर उन्होंने क्रोध से सेनापति की ओर देखा, फिर तेनालीराम की ओर देखकर बोले, तुम इस बार भी जीत गए तेनालीराम। रहस्यमय रोग। एक दिन तेनालीराम ने राजा की परीक्षा लेने की सोची। वो जानना चाहता था कि मुसीबत के समय राजा उसके परिवार के काम आएगा या नहीं। यही सोचकर तेनालीराम चुप चुप और उदास बैठ गया। राजा ने पूछा, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? महाराज मुझे वैद्य ने बताया कि मुझे रहस्यमय रोग हो गया है, मैं 10 दिन के अंदर संसार से कूच कर जाऊंगा। मैं सोचकर दुखी हूं कि मेरे बाद पत्नी और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तेनालीराम की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, इन वैद्यों की बात का कोई भरोसा नहीं, फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे परिवार का प्रबंध कर दूंगा। कहते हैं राजा महाराजाओं की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तेनालीराम की बात पर राजा ने उसको झिड़क दिया, ये बेकार की बातें हैं। तेनालीराम कुछ न बोला, चुपचाप घर चला गया। अगले दिन से उसने दरबार में जाना छोड़ दिया।
और फिर 10वें दिन ये खबर फैला दी कि तेनालीराम की मृत्यु हो गई। तेनालीराम ने अपने खजाने के संदूक से सारा धन निकालकर घर से दूसरे स्थान पर रख दिया और पत्नी से कह दिया कि यदि राजा के सेवक आकर संदूक ले जाना चाहे तो उन्हें ले जाने देना। फिर स्वयं संदूक में जा बैठा। तेनालीराम की मृत्यु का समाचार राजा के पास भी पहुंचा। दरबारियों ने राजा से कहा कि तेनालीराम के पास बहुत सा धन है, उसे सदा राजा से स्वर्ण मुद्राएं मिला करती थी, महाराज उसका सारा धन अपने अधिकार में कर लें। राजा को उन दिनों धन की आवश्यकता भी थी। उन्होंने सेवकों को तेनालीराम के खजाने का संदूक ले आने की आज्ञा दी। सेवक तेनालीराम का संदूक उठा लाए। राजा ने संदूक खोलने की आज्ञा दी। जैसे ही संदूक का ढक्कन हटाया गया उसमें से तेनालीराम उठ खड़ा हुआ और बोला, सच है कि राजा महाराजाओं की बात का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम अभी जीवित हो? राजा ने पूछा तो तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज मैं अपनी पत्नी और बच्चों का भविष्य ऐसे हाथों में छोड़कर कैसे जा सकता हूं। सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुए। सच्ची सुंदरता। बात उन दिनों की है जब सम्राट कृष्णदेव राय विजयनगर को सजा सवार रहे थे। वो विजयनगर को ऐसा रूप देना चाहते थे कि लोग उसे देखकर स्वर्ग को भूल जाएं। देश विदेश के निपुण कारीगर, शिल्पी और माली बुलवाकर उन्होंने मनोरम बगीचे लगवाए, सुंदर महल और मंदिर बनवाए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया विजयनगर को सुंदर से सुंदर बनाने में कोई कसर न छोड़ी जाए, उसके लिए जितने धन की आवश्यकता हो वो सरकारी खजाने से प्राप्त किए जाए। ऐसा ही हुआ। विजयनगर के सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बाहर से पर्यटकों के झुंड वहां आने लगे। सम्राट कृष्णदेव राय विजयनगर की प्रशंसा सुनकर खुले न समाते थे। एक दिन सम्राट ने मंत्री की प्रशंसा करते हुए दरबार में उपस्थित लोगों से कहा, मंत्री जी की दिन रात की मेहनत ने विजयनगर की सुंदरता को चार चांद लगा दिए। यदि इसमें किसी को कोई शंका हो या कमी हो तो बताए। सभी ने एक स्वर में उत्तर देते हुए कहा, अन्नदाता विजयनगर जैसा सुंदर राज्य इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है, न ही इसमें कोई शंका है, न ही कोई कमी और दोष है। सारे दरबारी राजा की और मंत्री की प्रशंसा करने में लगे थे कि पुरोहित ने देखा तेनालीराम मुंह पर हाथ रखे चुपचाप बैठा है। उसने सम्राट से कहा, महाराज शायद तेनालीराम को विजयनगर की प्रशंसा पसंद नहीं आई, तभी तो वो ऐसे चुप बैठे हैं जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। सम्राट कृष्णदेव राय ने तेनालीराम पर एक नजर डाली और पूछा, क्यों तेनालीराम, क्या विजयनगर में कहीं कुछ कमी रह गई है जो तुम्हें उसका सजा सवरा रूप पसंद नहीं आया? पसंद आया महाराज, मगर। तेनालीराम ने उठते हुए अधूरा उत्तर दिया तो सम्राट भड़क कर बोले, मगर क्या? तेनालीराम चुप रहा तो सम्राट का क्रोध और भड़क उठा, यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें दंड मिलेगा। जो दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या रखते थे उनका मन बल्लियों उछलने लगा कि आज फंसा है तेनालीराम। तभी तेनालीराम ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज एक कमी रह गई है। कमी? कैसी कमी? हमें तो कोई कमी नजर नहीं आती। सम्राट ने मंत्री की ओर देखते हुए तेनालीराम से पूछा। इस पर तेनालीराम ने फिर धीरे से कहा, अन्नदाता उस कमी को आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। ठीक है, सम्राट ने कहा, हमें दिखाओ कि कमी कहाँ है। कहते कहते वो उठ खड़े हुए, मगर याद रखना कि तुम कमी न दिखा सके तो तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। तेनालीराम राजा को लेकर दरबारियों के साथ चल पड़ा। सभी चकित थे कि इतने सुंदर विजयनगर में आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण तेनालीराम प्राण दंड तक भोगने को तैयार है। वो सब नगर ब्राह्मण को चल पड़े तो राजा को बड़ा अजीब सा लगा कि पहले तो नगरवासी उनके ब्राह्मण के समय सड़क के दोनों ओर भीड़ लगाकर उनका स्वागत करते थे, उन पर फूलों की वर्षा करते थे, किंतु इस बार ऐसा कुछ न था। न इतनी प्रजा थी, न उनमें वो उत्साह था। उन्होंने प्रश्न भरी दृष्टि से तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम बोला, अन्नदाता आप स्वयं प्रजा के बीच हैं, जो पूछना हो इनसे पूछो। सम्राट ने रथ रुकवाकर पूछताछ की तो पता चला कि मंत्री ने विजयनगर को सुंदर बनाने के लिए जनता पर तरह तरह के कर लगा दिए, जिसमें आम नागरिकों को दो वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो गया। सम्राट को धक्का सा लगा, वो अधिक देर तक वहां न ठहर सके। दरबार में वापस आकर उन्होंने घोषणा की, सारे काम बंद कर दिए जाए।
पड़े व नए कर वापस ले लिए जाएं। यदि विजयनगर वासियों का जीवन ही सुंदर न बन सका तो विजयनगर की सुंदरता का क्या महत्व, क्या लाभ। फिर उन्होंने तेनालीराम को धन्यवाद दिया कि उसने उनकी इस ओर दृष्टि घुमाई। उनकी दृष्टि में तेनालीराम का महत्व और बढ़ गया। सुनहरे फूल वाला पौधा। एक बार राजा कृष्णदेव राय कश्मीर गए। वहां से अपने साथ वो एक सुनहरे फूल वाला पौधा लेकर लौटे और माली को आदेश दिया कि वो पौधा बाग में ठीक उनकी खिड़की के सामने लगाया जाए और उसकी ठीक प्रकार देखभाल करें। माली ने वैसा ही किया। राजा रोज सवेरे उठते ही खिड़की खोलकर पहले पौधे को देखते, तब कहीं दरबार में जाते। यदि वो बगैर पौधे को देखे दरबार जाते तो उस दिन वो अनमने से रहते। एक दिन राजा ने देखा कि पौधा अपनी जगह से गायब है। उन्होंने तुरंत माली को बुलवाया। माली थरथर कांपता वहां आया। राजा ने उससे पौधे के विषय में पूछा तो वो कोई उत्तर न दे सका। सम्राट ने आवेश में आतुरंत माली को प्राण दंड की सजा दे दी। सैनिक माली को पकड़कर ले गए। माली की पत्नी ने यह सुना तो वो रोते रोते राज दरबार में पहुंची, लेकिन राजा ने क्रोध के कारण उससे मिलने से इनकार कर दिया। तब किसी सलाह पर वो रोती कलपती तेनालीराम के पास पहुंची। तेनालीराम ने उसे एक युक्ति सुझाई। अगले दिन सुबह सवेरे सबने देखा कि माली की पत्नी हर चौराहे पर खूंटा गाड़कर अपनी बकरी को डंडों से मारती फिर रही है। विजयनगर में पशुओं के प्रति निर्दयी व्यवहार पर प्रतिबंध था। सैनिक माली की पत्नी को पकड़कर दरबार में ले गए। राजा ने माली की पत्नी से बकरी को मारने का कारण पूछा तो वो हाथ जोड़कर बोली, अन्नदाता क्षमा कीजिएगा, इस बकरी ने आपका सुनहरे फूल वाला पौधा खाया है। ये बकरी निरही नहीं है, इसी के कारण मेरा घर तबाह हो रहा है, इसी कारण मैं विधवा बनने जा रही हूँ। आप ही बताइए इसके अपराध की सजा मेरे परिवार को क्यों मिले। आप जैसे न्यायप्रिय राजा के होते एक अपराधी बिना दंड पाए घूमती रहे और दंड उसको मिले जिसने अपराध न किया हो। सम्राट के चेहरे पर क्षण भर के लिए आश्चर्य की रेखाएं फैली, फिर जैसे सब कुछ समझ गए। माली को क्षमा कर मालिन से पूछताछ की तो पता चला कि इस योजना के पीछे तेनालीराम का हाथ था। राजा ने गलत निर्णय पर उन्हें समय से चेताए। स्वभाव। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस बात पर गर्मा गर्म बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। अलग अलग आदमियों की अलग अलग राय थी। कुछ का विचार था कि बदला जा सकता है, कुछ का कहना था कि जिस प्रकार कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती उसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी नहीं बदल सकता। एक सज्जन का कहना था यदि सही ढंग से प्रयत्न किया जाए तो कुत्ते की दुम भी सीधी की जा सकती है। राजा को व्यंग सूझा। उन्होंने 10 व्यक्तियों को चुनकर एक एक पिल्ला दिया, साथ ही हर मास 10 स्वर्ण मुद्राएं दी कि तुम सभी को 6 माह में कुत्ते की दुम को सीधा करने का प्रयत्न करना है। उनमें 10वां तेनालीराम था। शेष 9 ने 6 महीनों में पिल्ले की दुम सीधी करने का प्रयत्न शुरू कर दिया। एक ने पिल्ले की दुम के छोर को भारी वजन से दबा दिया ताकि इससे दुम सीधी हो जाए। दूसरे ने कुत्ते की दुम को एक बोतल की सीधी नली में डाल दिया। तीसरे ने अपने पिल्ले की पूंछ सीधी करने के लिए हर रोज पूंछ की मालिश करवाना शुरू कर दिया। चौथे ने कोई दवा दी, उसका विचार था कि दवा से दुम सीधी हो जाएगी। पांचवे ने एक ब्राह्मण को घर छोड़ा जो प्रतिदिन पूंछ सीधी हो जाने के लिए पूजा पाठ करता था। छठे सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकड़ लाए जो कई तरह के ऊटपटांग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर इस काम को करने के प्रयत्न में जुटा रहा। सातवें सज्जन ने अपने पिल्ले की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करवा दिया। आठवां व्यक्ति कुत्ते के सामने बिठाकर 6 माह तक प्रतिदिन उसे भाषण देता रहा कि तुम सीधी रखो भाई, तुम सीधी रखो। नौवां व्यक्ति पिल्ले को मिठाइयां खिलाता रहा कि इससे वो मान जाए और अपनी दुम सीधी कर ले। तेनालीराम पिल्ले को इतना ही खिलाता जितना खाकर वो जीवित रह सके। भूखा रहकर बेचारा पिल्ला इतना कमजोर हो गया कि उसके शरीर के सारे अंग निर्जीव हो गए। उसकी पूंछ भी बेजान सी होकर लटक गई जो देखने में सीधी जान पड़ती थी। 6 मास बीत जाने पर राजा ने 10ों पिल्लों को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। 9 व्यक्तियों ने स्वस्थ और हट्टे कट्टे पिल्ले पेश किए।
जब पहले पिल्ले की पूंछ पर से वजन हटाया गया तो वो एकदम टेढ़ी होकर ऊपर उठ गई। दूसरे की दुम जब नली से निकाली तो वो भी उसी समय टेढ़ी हो गई। शेष सातों पिल्ले की दुम भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकली। मालिश, दवाओं, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र का कोई लाभ न हुआ, न ही ऑपरेशन, उपदेश और मिठाइयों से बात बनी। तेनालीराम की बारी आई तो तेनालीराम ने अपना अधमरा पिल्ला सामने कर दिया। उसके सारे अंग ढलक रहे थे, पूंछ भी निर्जीव सी लटक गई थी। तेनालीराम बोला, महाराज मैंने कुत्ते की दुम सीधी कर दी है। राजा ने पिल्ले की दशा देखी तो वो माथे पर बल डालकर बोले, दुष्ट कहीं के बेचारे निरही पशु पर तुम्हें दया नहीं आई, तुमने तो इसे भूखा ही मार डाला, इसमें तो पूंछ खिलाने तक की शक्ति नहीं है। महाराज यदि आपने कहा होता कि इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो कोई कसर नहीं छोड़ता, पर आपका आदेश तो इसकी पूंछ को स्वभाव के विरुद्ध सीधा करने का था, जो इसे भूखा रखने पर ही हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी असल में बदलता नहीं है। हाँ, आप उसे काल कोठरी में बंद कर उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव मुर्दा अवश्य बना सकते हैं।